हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा जो कि स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये आलू ले लिए हैं जिनको कि बॉईल कर लिया है। 6 लिए हैं मैंने, आप अपने हिसाब से लीजिए कि आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं। तो उस हिसाब से 6 ले लेते हैं और इसको हम ग्रेट करते हैं। मैं ये 4 सर्विंग्स के हिसाब से बना रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपके अगर ज़्यादा सर्विंग्स के हिसाब से बना रहे हैं तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं क्वांटिटी को। आलू को हमने इस तरह से मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम एक बिग ऑनियन बारीक कटा हुआ वो इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अगर आप ग्रीन चिली खाना पसंद करते हैं तो बारीक कटी हुई ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर जो कि मैंने 1 स्पून लिया है। उसके बाद में हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, वो भी मैंने 1 स्पून लिया है। सॉल्ट डालेंगे, वो भी मैंने 1 स्पून लिया है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। ब्लैक सॉल्ट लिया है जो कि 1/2 स्पून डाल रही हूँ। अमचूर पाउडर 1/2 स्पून, जीरा पाउडर 1/2 स्पून, चाट मसाला 1/2 स्पून। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। ये स्टफिंग हमने अच्छे से मिक्स करके रेडी कर ली है। तो अब हम बनाएंगे बेसन का घोल जिसमें कि हम सैंडविच को रैप करेंगे। बेसन का घोल बनाने के लिए 1 कप बेसन लिया है। उसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये हमने नमक डाल लिया है 1/2 स्पून के करीब, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और उसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और उसको इस तरह से मिक्स करेंगे कि कोई लम्स ना रहे। ये अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम थोड़ा और पानी डालेंगे। ये देखिए इतना पतला हमें रखना है, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा थिक हो। और इसमें करीबन मैंने ये 1/2 ग्लास के करीबन पानी इसमें डाला है। तो 1 कप अगर आप बेसन ले रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली उसमें 1 कप के करीब ही पानी आ जाएगा। अब ये घोल भी रेडी है, स्टफिंग रेडी है, अब हम ब्रेड को स्टफिंग करते हैं। ये हमने ब्रेड स्लाइसेस ले ली हैं, तो अब हम ब्रेड को इस तरह से ले लेते हैं और उसके ऊपर प्रॉपरली हम ये स्टफिंग को अच्छे से फिलिंग कर देंगे और उसको इस तरीके से इवनली पूरी ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। सेम हम इस पे भी करेंगे। और अब दूसरी स्लाइस से इसको इस तरीके से पूरा कवर अप कर देंगे। ये ब्रेड स्लाइस पूरी तरह से तैयार है। साइडों से आप चेक कर लीजिए, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा हो। पूरा सील कर देंगे। सेम विद सेकंड वन। ये ब्रेड हमने रेडी कर ली हैं और साथ के साथ हमने ये पैन जो है चढ़ा दिया है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ ताकि कम ऑयल हम लोग यूटिलाइज करें। तो इसके ऊपर हमको थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालना होगा। इस तरीके से मैंने 4-5 स्पून के करीबन डाल दिया है। इसको इस तरह से कर लेंगे। अब हम ब्रेड को इस बेसन के घोल में डिप करते हैं। ये देखिए, और बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि चारों तरफ से ये घोल इसमें आ जाए। और उसके बाद में हम इसको आराम से यहाँ सेट कर देंगे। हीट को हम स्लो ही रखें क्योंकि बेसन बहुत जल्दी से पक जाता है। अब हम इसको पलट लेते हैं बहुत आराम से। इसको हमें इस तरीके से करना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम
हम इसको इसी तरह से धीमी आंच पे दोनों तरफ से सेक लेंगे और ये काफी कम ऑयल में बिना डीप फ्राई किए भी हम ब्रेड पकौड़ा बना सकते हैं और सेम टेस्ट आएगा, टेस्ट में कोई फर्क नहीं होगा। तो आप इस तरह से बनाइए और डीप फ्राई से थोड़ा सा हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। हमें मेक श्योर करना है कि ये साइड के जो एजेस हैं ये भी प्रॉपरली सिक गए हैं। तो इस तरीके से आप एक चिमटे की सहायता से इस तरह से पकड़ के हर साइड से हमें उसे प्रॉपरली सेकना है। साइडों में ऑयल रहता है, आप उसे इस तरह से कर लीजिए और ईच कॉर्नर को, ईच साइड को आप प्रॉपरली इस तरह से सेक लीजिए। ये देखिए अच्छा सा काफी कलर आ चुका है पिंकिश। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब सर्व करने के लिए इसको हम इस तरीके से ट्रायंगल कट कर लेंगे। ये देखिए और इसको प्लेटिंग कर, ये देखिए स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा बनके रेडी है। ओनली 6 to 7 स्पून ऑयल हमने यूज किया है जिसमें हमने इतनी क्वांटिटी मीन्स 4 लोगों के लिए ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मगर अगर कम ऑयल खाना पसंद करते हैं तो इस तरह से शैलो फ्राई कीजिए और बहुत ही यमी और टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।